तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। फाइनली लेके आ गए आपके लिए एमपी बोर्ड की एक और नई और लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको सक्सेस ऑफ स्टडी पे लगातार जो है बोर्ड से जुड़ी लगातार अपडेट्स मिलती हैं, तो भाई सबसे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की रेगुलर टू रेगुलर डेली टू डेली एजुकेशन से जुड़ी अपडेट्स के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली जिसका सभी लोगों को इंतजार था, आज बोर्ड का फाइनली मीटिंग का फैसला आ गया भाई। एमपी बोर्ड की परीक्षाओं पर पड़ा कोरोना का असर। फाइनली सबसे पहले आप लोग इस बात की कंफ्यूजन में होंगे कि भाई खुशखबरी है या फिर कुछ दुखी का भाई माहौल बनने वाला। तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई आप लोगों के लिए। फाइनली सभी लोग चाह रहे थे कि जो कोरोना के चलते आपके एग्जाम आगे बढ़ जाएं, तो फाइनल एंड फाइनली आपके जो एग्जाम आगे बढ़ने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई और पूरे तरीके से बढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी अपडेट को पढ़ते हैं। तो भाई देखिए, 10वीं बार की परीक्षाएं जून में कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ तीन अपडेट्स आई हैं, पूरा का पूरा अपन करते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा पढ़ते हैं और आप वीडियो को पूरा देखें। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो भाई आपको आधी अधूरी वीडियो समझ आएगी और पूरी अपडेट समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि भाई पत्रकार थोड़ा अजीब ढंग से लिखते हैं तो थोड़ा पढ़ने में समझ नहीं आएगा। तो मध्य प्रदेश के बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अब 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ जून में कराने का प्रस्ताव भेजा गया। अब इसके बाद इसका फाइनली फैसला क्या है वो देखते हैं। भाई 10वीं 12वीं के जून में कराने का प्रस्ताव भेजा गया, पर सिर्फ सीएम महोदय ने लगनी बाकी है। बस सीएम की मोहर लगनी बाकी है, बाकी जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने इस पर फाइनली बता दिया है। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल से 12 की परीक्षाएं 1 मई से शुरू होनी थी, लेकिन अब परीक्षाएं आगे बढ़ना है। स्कूल मंत्री इंदर सिंह परमार ने दैनिक भास्कर में बात करते हुए कहा है। देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर में जो इन्होंने डायरेक्टली इंटरव्यू दिया है आपके शिक्षा मंत्री ने, तो इस पर बिल्कुल 100% आप भरोसा कर सकते हैं, साथ ही साथ हम पर भी। चलिए देखिए, यहाँ कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है, ऐसे में परीक्षाएँ करवाना संभव नहीं है। देखिए, बिल्कुल संभव नहीं है। इन परीक्षाओं की नई तारीखों को ऐलान बाद में किया जाएगा। मतलब मैं दोस्तों, इन्होंने साफ कह दिया है कि नई जो परीक्षा है इनकी नई तारीख जो होगी, जब भी होगी, लगभग जून में हो सकती है अनुमानित, लेकिन जब भी होगी उसकी जो है बात बाद में बताएंगे। अभी बात बताई जा रही कि मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले से ही जारी किया जा चुका था, लेकिन अब स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, ऐसे हालातों में परीक्षाएँ आयोजित कर बच्चों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए 10वीं 12वीं की परीक्षाएँ जून तक टाली जा रही हैं। जी भाई, देख लीजिए, यहाँ पे आपका श्री गणेश हो गया भाई। आपकी जो परीक्षाएं हैं जून तक टाली जा रही हैं, साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया भाई, जो आपकी परीक्षाएं हैं जून तक टाली जा रही हैं। खुद जो है आपके इंदर सिंह परमार, आपके शिक्षा मंत्री, जैसा कि आप जानते हैं लगातार उनकी जो है वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं, उन्होंने खुद यहाँ पर जो है आपके दैनिक भास्कर पर ये न्यूज़ अपडेट दी है। साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके भी बताया है, आप जाकर उनकी ट्विटर आईडी चेक कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया सकता है और इसी दौरान जो आपकी अधिकृत सूचना जल्द ही करेंगे, यानी इसके जो अगले एग्जाम कब होना है उसकी सूचना जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, जल्दी आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल से प्रस्तावित प्रैक्टिकल की परीक्षाओं के लिए समय का बंधन समाप्त कर दिया गया है, बच्चे 2 से 3 दिनों में अपनी सुविधा अनुसार प्रैक्टिकल जमा कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली जो है मुद्दे की बात यह है कि आपकी परीक्षा जून में खिसक सकती है, अब एग्ज़ाम जो है जून में होंगे। तो इस पर दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी, और कैसी लगी अपडेट आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। लगी रही बात ऑफिशियल नोटिस की, आने वाले 1-2 दिनों में इससे संबंधित ऑफिशियल नोटिस भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में सक्सेस ऑफ स्टडी एग्जाम से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ दोस्तों जो है प्री बोर्ड के होने वाले सभी सॉल्व पेपर्स अभी धड़ाधड़ से वही चैनल पर अपलोड हो रहे हैं लगातार डेली टू डेली, तो आप चैनल से जुड़ जाएँ और देख सकते हैं।